एक हमारे पास सवाल है खवातीन की तरफ से। जी बहन, आपका सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। इनफर्टिलिटी इज इट ड्यू टू द मैरिज ऑफ कजन्स? बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे से वेदर दे आर कजन्स, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज राइट एंड व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? कजन्स जो शादी करते हैं ज्यादातर उनमें इनफर्टिलिटी होती है, ऐसे डॉक्टर ज्यादातर यही पूछते हैं, व्हाट इज द रीजन एक्चुअली? सवाल आया कि इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसको कहेंगे, औलाद का ना होना, लावलद होना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मैरिजेस का सिस्टम है कज़न से होता है, मतलब जो शरिया में परमिटेड है, जायज़ है, रिकमेंडेड तो नहीं, मुबाह है, जायज़ है, कि फुफेरी बहन, खलेरी बहन, चचेरी बहन, मुमेरी बहन, शरिया में ये जायज़ है, तो इस वजह से ये होता है। देखिए, ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना ऐसे शादी होने से ज़्यादातर बच्चे जो है एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी सुनने में आया। ये जरूरी नहीं, बट ये एक रीजन है, और अल्लाह ताला अगर वही तकदीर में लिख रखा है तो क्या करेंगे। वो जरूरी नहीं कि इस औरत से, मतलब जो रिश्तेदार है, कजिन है तो ही हुआ, चाहे वो औरत या मर्द हो, कजिन है उसका, जरूरी नहीं। क्योंकि जो लोग दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उनके निकाह होने के बाद ही बच्चे ऐसे देखेंगे कि औलाद नहीं हुई, बिल्कुल, और साथ में बच्चे हुए तो टेक्निकली स्पीकिंग ज़हनी तौर से वीक थे, मंद बुद्धि थे, कमजोर थे, तो ये जरूरी नहीं है। एक रीजन कई रीजंस में हो सकता है, बट जरूरी नहीं। चूंकि इसके अलावा भी आप देखिए, कई चीजें आप पढ़िए, मतलब रिपोर्ट्स पढ़िए, आम लोग जिनके दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, खानदानी कोई ताल्लुक नहीं, उनके बच्चे भी अब नॉर्मल होते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है और उनको भी औलादे नहीं होती। मे बी वो एक रीजन हो, लेकिन वही एक रीजन नहीं है। तो बहरहाल वैसी शादियां जायज मुबाह, लेकिन रिकमेंडेड तो नहीं बहरहाल। लेकिन ये मैंने देखा हूँ लोग इसमें बहुत ज्यादा कमजोर यहाँ पड़ जाते हैं कि ये मैंने गलती कर लिया ऐसा करके, और तवक्कुल वाला मामला छोड़ देते हैं और इसी को रीजन बनाते हैं। जब क्यों अल्लाह ताला, अगर कोई ये बोले कि गाड़ी में जाने से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खराब थी, इंजन ठीक नहीं था, टायर खराब थे, ठीक है, उसने सब करना चाहिए था, बट जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया उसका। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, अगली बार गाड़ी अच्छी हो जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा। हमने देखा नई गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, नई फ्लाइट्स खत्म हो जाती, रॉकेट्स को जो इतना पैसा लगता है, इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनती है, जमीन से उड़ते खत्म हो जाते, और कहीं कहीं साइंटिस्ट जो कि दुनिया के लिए बहुत कीमती सरमाया, खत्म हो जाते एक झटके में। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर का मामला है, तो लोग कहते हैं ऐसा, बट इसकी कोई हकीकत मैंने ऐसे कोई साइंटिफिकली नहीं पढ़ी बहुत ज्यादा कि यही एक रीजन है। अगर कोई यही एक रीजन है कजिन से शादी करना, तो नॉन कजिन वालों को ये मसला क्यों होता है, वही रीजन इनके साथ। मर्द हजरात में से कुछ, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जजाकल्ला।